आज घर पे किट्टी है और किट्टी के लिए मैंने बनाए हैं छोले भटूरे। इसको पूछ रही हूँ अब्बू, मैंने छोले भटूरे बनाए हैं। कह रहा है मैंने नहीं, शक्ल दिखानी है। छोले भटूरे देख के मेरे मुंह में पानी आ रहा है, इसलिए लोगों को नहीं दिखाना क्योंकि मैं तो डाइट पे हूँ। अब्बू क्या करेगा, घर में दुश्मन है। मैंने तो बनाए छोले भटूरे। मेरी डाइट का दुश्मन कौन, मेरी माँ। होए 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 होए, आप खाओगे छोले भटूरे? ये तो एवर रेडी हैं, कहते जो मर्जी खिला दे। हेलो हेलो, छोले भटूरे यस, आप खाओगे? ऑब्वियसली। ओ फिर डाइट का क्या होगा? दोपहर से करेंगे चालू। मैंने इसके लिए कॉर्न और पीस वाला मटेरियल रेडी रखा है। इस बनाने के लिए मैंने ये बना दिया था। मैंने सोचा था अगर ये छोले भटूरे नहीं खाएगा तो इसको मल्टीग्रेन ब्रेड के मैं सैंडविच बना दूंगी, लेकिन छोले भटूरे बने और अभिषेक ना खाए ऐसे तो हो ही नहीं सकता। और यहाँ पे मैंने मूली कद्दूकस कर ली है, प्याज में नमक और नींबू डाल दिया, ये गाजर का अचार मैंने बनाया है बिना प्याज वाली चटनी और ये प्याज वाली चटनी, क्योंकि ना हमारी किट्टी में कुछ लोग प्याज खाते हैं कुछ लोग नहीं खाते, तो मैंने दोनों तरह की बना दी। और छोले बहुत ही बढ़िया बने हुए हैं, ये भटूरे के लिए मैंने रख दिया है तेल गरम करके। और ये भटूरे का आटा देखो बाउंस कितना अच्छा आ रहा है। एक चीज़ मीठे में एक चीज़ होती है, तो मीठे में ना मैंने ब्राउनी बनाई है। मैंने ब्राउनी बनाई थी, ये मैंने कल बनाई थी, कल हर्ष और प्रेरणा आए तो उन्होंने खाई, उनको बहुत अच्छी लगी, तो इसलिए ये थोड़ी सी कम है, आधी है। निश्चय कहता मैं तो मम्मी आपको पता है चॉकलेट नहीं खाता, तो इसलिए मैंने उसके लिए ये देखो स्ट्रॉबेरी वाला केक बनाया है। बहुत ही अच्छा लग रहा है कि केक बना है, स्ट्रॉबेरी मैंने ऊपर भी लगाई है। बहुत ही दिनों बाद मैंने केक बनाया घर पे। हो गए हमारे छोले भटूरे रेडी, ये लो रे। आए मुँह छुपा लिया, पानी आ रहा ना मुँह में। मैंने वैसे तेरे लिए ना कॉर्न और पीज वाले वो भी स्टफ करके रखे हुए हैं, खाने हैं तो कह रहे नहीं छोले भटूरे के आगे तो कुछ। आई आई शादी वाली फुटेज लीजिए। हाँ जी लीजिए, बहुत गर्म है, ध्यान से खाई। शादी वाली फुटेज लीजिए, आ जाइए आ जाइए आ जाइए। अपनी तो रोज आदत हो गई है सर, उठो कैमरा डालो कैमरा देखो। बहुत गर्म है, बहुत गर्म बहुत गर्म। मुझे नशा क्यों हो रहा है? अभी एक बाइट में ही नशा हो गया। ओए हो, बहुत टाइम बाद खाए ना। मैंने बनाए थे राखी पे, राखी वाले दिन बनाए थे छोले भटूरे। गाइस आप भी खाओ छोले भटूरे। अलन साहब कैसे लगे? बहुत बढ़िया। चटनी नहीं दी मैंने आपको, भूल गई, मैंने अचार दे दिया ना। मलन साहब आज तुम बोला दे नंबर तुसी खिला दो, आज कोई है नहीं खिलान वाला। आपको आपने गुस्से में चढ़ा रखा है और अब जाके आप उनके सामने कैमरा ऑन कर दो। वेरी चीटे चीटे कह रहे मेरे को दोनों माँ बेटा मिलके बुल्ली करते। पापा आज तुम बोला मैं नंबर आप कॉल कर लो, ओनली नंबर 1444। टाइम देख रहे कितने बजे मेरा मूड सही हो जाएगा उस तक कि नहीं। मम्मी भी ना ऐसे कैमरा ऊपर मारती है, ये बोलेगा कुछ। अरे बता तूने भटूरे खाए कैसे लगे? बस भटूरे खाए और अब सोने का टाइम। भाई भटूरे में मैंने कोई नींद की गोली डाल ली थी, नशा था उसमें, कुछ करा दो। छोले भटूरे बनाए मैंने, मेरा पर्स है। मिल गया पर्स, ये चीज गुम नहीं करता अपनी, तेरी तरह नहीं है। मूवी देखने गए थिएटर में चाबी गुम, वो भेड़िया देखने गए थे ना, घर की चाबी ना गाड़ी की। जो जब मूवी खत्म हुई कह रहा चाबी का ढूंढी जाए, मिले ही ना चाबी। बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया, ढूंढ देखी ना। छोले भटूरे। A few moments later. ये खा लिए सबने यार, मैं और लेके आई हूँ, और लेके आई हूँ। किस लिए? खाने के लिए। अरे नहीं खा रहे है भाभी, आप ले लो, बहुत टेस्टी है। ओए होए तो एक और ले लो,
एक खाते थे दो खाए हैं, इतना टेस्टी सच में, टेस्टी बहुत। खत्म कर दो ना फिर यार सब कुछ। ऐसे भटूरे नहीं खाए हमने, आप फिर ब्राउनी भी खाओ। भटूरे भटूरे सॉफ्ट के साथ कुरकुरे भी थे, थैंक यू। ये भी बहुत अच्छा, आइसक्रीम डालना साथ। नहीं वो नहीं खाऊंगी। ये देखो तेरी तेरी का है ब्राउनी का, लेके जाऊंगी ना ब्राउनी, आराम से शौक से बैठ के खाऊंगी। ओए होए, गुड़गांव आएगी तो फिर खाएंगे तेरे। गुड़गांव जब आएंगे तब भी खाएंगे, अभी तो खाओ पहले। पहले लास्ट किट एंजॉय करो, हाँ तभी तो। हाँ बाय बाय, बहुत अच्छा रहा, ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर कमिंग। ये देखो ये लड़का खाने की चस्की, बोलो है ना। और क्या, वैसे हमेशा कहेगा मैं डाइटिंग, अबे डाइटिंग पे वो छोले भटूरे खिला दिया सुबह, अब एक फ्राई रोस्टर खा तो उसने क्या पाप करा, बेचारी पड़ी हुई है इतनी देर से। जितनी फ्रेरो रोशर पड़ी है वो सब तू नहीं खानी बेटा, धीरे धीरे खा ले, कोई बात नहीं, कोई नहीं खाएगा, सब तेरे पेट में जाएंगी। और वैसे तू डाइटिंग पे होता है, गलती सिर्फ इसमें मेरी माँ की है। सही बात है, मैं तो जनरल बता रहा हूँ, इसमें और किसी की गलती नहीं है। हाँ। इसमें सिर्फ मम्मी की गलती है, क्योंकि मम्मी छोले भटूरे खिला के बंद करती है मेरी डाइटिंग। आजकल लोग भी मेरे को उसी में अटैक करते हैं, जिसमें वो कहते हैं ना, जो एकदम से वो कहता है कि माँ आज से मैं डाइटिंग करूंगा, प्रोटीन खाऊंगा, ये खाऊंगा, मल्टीविटामिन खाऊंगा, ये ले बेटा छोले भटूरे, मम्मी डाइटिंग गर्ल से। डाइटिंग गर्ल से। भाई देख, मैंने तेरे लिए सैंडविच बनाए थे, ऑप्शन दिया था मैंने कि छोले भटूरे को ना कौन करता है, आप ऑप्शन मत दो ना। वही तो, फिर यही तो बात है, वो कहते ना ऐसी जीभ लप लपाए रहा ना जाए। अब ये तेरे से खुल भी नहीं रही है, है ना, वो भी मैं खोल के दूंगी। क्या मैंने खानी है तो मेहनत तुम्हें कर लूंगा खोलने की। चलो गाइस खुल गई है, अब ये शाबाश, ये देखो क्या कर रहे हैं यार। गाइस आज हम करेंगे फ्रेरो रोशर की टेस्टिंग, पहले तो अनबॉक्सिंग हुई है फ्रेरो रोशर की, अब ये टेस्टिंग, ये मतलब उसको भी सूंघ के खा रहा है, वाह। ये फ्रेरो रोशर बिल्कुल फ्रेरो रोशर जैसी ही है, ये कुछ हटके है ना, क्योंकि ये पैकिंग में थी ना। बाकी मम्मी खाएंगे, मैंने खा ली शायद, मैं फ्रिज में रख दूंगी, और ये कल नहीं तो दो दिन में गायब हो जाएगा पूरा डिब्बा।